हेलो फ्रेंड्स, मैं शीनू आप सभी का हमारे चैनल इंडियन फूड में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी ऐसी रेसिपी जो बहुत झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, जिसको मैंने नाम दिया है सूजी के स्टफ व्हील। सूजी के व्हील बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, ये भी मैंने 1 कटोरी लिया है, 1 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम। इसका बैटर हमें ऐसे रेडी करना है जैसे कि हम इडली का बैटर रेडी करते हैं, हमें इस तरह का बैटर रेडी करना है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हम आलू का स्टफ रेडी करते हैं। इसके लिए 2 चम्मच ऑयल डालूंगी इसमें। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच राई के दाने डालेंगे। अच्छे से हम भून लेंगे। अदरक डालूंगी, 1 चटकी हरी मिर्च, छोटा कटा हुआ अनियन डालूंगी इसमें मैं, इसको हम डाल लेंगे। क्या है इसमें, हम मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। ये मीडियम साइज के 4 आलू हैं बॉईल किए हुए, इसको मैंने कद्दूकस करके पहले से ही रखा हुआ है, इसको इसमें मिक्स कर देंगे हम। और ये थोड़ी सी बॉईल करी हुई मटर है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। ये सबको मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं और ये अच्छे से भुन भी गया है। गैस को ऑफ कर देंगे हम और इसमें हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम हाथ में लेंगे ऐसे करके और अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको रोल बनाने हैं। मैंने आलू के 4 ये जो रोल है रेडी कर लिए हैं। हम इस टाइप का एक ग्लास लेंगे क्योंकि हमें एक ग्लास में ही बनाना है। इसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के। ये मैंने 4 ग्लास में अच्छे से ऑयल लगा लिया है। बैटर चेक करते हैं, सूजी अच्छे से फूल गई है। इसमें मैं 1 पैकेट इनो का डालूंगी। और इसको एक्टिव करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे हम। इनों को अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब अपने ग्लास में 1 चम्मच ये बैटर डालेंगे। इस टाइप से हमने बैटर डाला है, ये थोड़ा सा अब जो आलू का हमने रोल बनाया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे ऐसे। अब इसमें ऊपर से भी हम ये बैटर डाल देंगे। इस टाइप से हम बैटर डाल के इसको रेडी कर लेंगे। 4 ग्लास को हम ऐसे ही रेडी करेंगे। इस तरह से मैंने 4 ग्लास रेडी कर लिए।
गैस पे गहरा बर्तन रखेंगे, मैंने कढ़ाई रखी है, अपने ग्लास के अकॉर्डिंग आपको बर्तन रखना है। इसमें मैं पानी डालूंगी, गैस ऑन कर देंगे और इसमें इस टाइप का एक स्टैंड रख दूंगी मैं, पानी को गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है, इसमें हम ये ग्लास रख देंगे। अब इसको ढककर स्टीम में हम 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, स्टीम में अच्छे से फूल गए हैं। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ग्लास को थोड़ा ठंडा होने देंगे, जैसे ये अपने आप बाहर निकले आएंगे अच्छे से, तो हम इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने रख देते हैं। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब एक नाइफ लेंगे हम, ग्लास के चारों तरफ ऐसे करके इसको जो चिपका हुआ एरिया है उसको छुटाएंगे। मैंने ग्लास में से सारे निकाल लिए हैं, हम इसको फ्राई करेंगे। गैस पे हम एकदम फ्लैट वाला जो पैन होता है वो रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गरम करके हम इसमें मसाले डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम राई के दाने डालेंगे। इसको अच्छे से भूनने देंगे। राई के दाने भुन गए, इसमें लाल मिर्ची डालूंगी मैं, थोड़ी सी ही डालूंगी, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें। गैस को मैं सिम पे ही रखा हुआ है मैंने। अब जो हरा धनिया कटा हुआ था वो इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये अच्छे से बन गया है। हम एक जो हमने ये बनाया था ये रोल, ये इसमें डाल के ऐसे करके हम हल्के हाथों से घुमा देंगे। इसको हम अच्छे से इसमें रोल कर देंगे। इसको खड़ा करेंगे थोड़ा सा, इसके नीचे भी हम इसको लगा लेंगे मसाले को। देखिए मैंने सारी साइड में मसाले लगा लिए हैं अच्छे से। इसी तरह से हम अपने सारे रोल कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम एक नाइफ से इसको कट करेंगे, हल्के हाथों से ही कट करेंगे। देखिए कितना अच्छा कट हो रहा है। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।